रानी साहब वो कटोरी दो। सुमित्रा ने सुगना के हाथ में एक सोने की कटोरी पकड़ाई जो उसने निक्की के हाथ के नीचे रख दी। निक्की का खून उस कटोरी में एकत्रित होने लगा। बस हो गया। निक्की वहां बुत बने बैठी थी। सुगना की आवाज ने जैसे उसे जगा दिया। उसने अपने हाथ पर बनी इस आकृति को देखा। उसके खून और मांस के चिथड़े से लटपट वो और भी डरावनी लग रही थी। क्यों रानी माँ, कैसा लग रहा है चिन्ह? सही बनाया है ना? हाँ, ये लो अपना नेग। धन्यवाद रानी सा। और हाँ छोटी बहू, इस पर कोई मलहम या दवा मत लगाना। ये सुगना के औजारों का कमाल है, घाव अपने आप ही भर जाता है। हाँ, निक्की उसे जाती हुई देख रही थी। एक ऐसी औरत जिसने उसे ये घाव दिया था, उसकी चीखें सुनी थी लेकिन उसका दिल भी नहीं पसीजा। बहरहाल दूसरी रसम पूरी हो चुकी थी और सुमित्रा निक्की से बेहद खुश नजर आ रही थी। ये देखो निक्की, मेरी सास ने भी मेरे हाथ में ये चिन्ह बनवाया था। अब हम सही मायने में सास बहू हुए। वैसे मानना पड़ेगा, तुम बड़ी सहनशील हो, इतना भी नहीं चीखी जितना मैंने सोचा था। मेरी चीखें सुनकर मेरी मदद करने वाला ही कौन था यहाँ? मम्मी जी, आप इस खून का क्या करेंगी? सुमित्रा ने गुस्से से भनकते हुए उसे देखा। तुम्हें क्या, तुम सीधे अपने कमरे में जाओ और सुगना की बात का ध्यान रखना। निक्की नजरें झुकाकर वापस महल की ओर बढ़ गई। उसमें अब रोने की भी शक्ति नहीं बची थी। केवल उसकी पायल की आवाज ही हवेली में गूंज रही थी। वो सीधे अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई और अपने उस घाव को देखने लगी। तभी उसे कुछ अजीब दिखा। ये क्या? उसके जख्म से खून का एक कतरा भी नहीं टपक रहा था। अभी तो इतना खून बहा था, अचानक से ये? उसे कुछ समझ आए इससे पहले उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की पर कुछ हलचल हुई। उसकी नजर वहां बैठे एक प्यारे से पक्षी पर गई। वो रंग बिरंगा पक्षी निक्की की तरफ देख रहा था। कितना सुंदर है। वो उछलकर निक्की की तरफ बढ़ रहा था कि तभी एक हवा के झोंके के साथ वो वहीं मूर्छित हो गया। निक्की ने उसे हाथ में उठाया और टटोला, लेकिन वो मर चुका था। ओह नो, अचानक इसे क्या हुआ? तभी कुछ बेहद असामान्य हुआ। कीड़े? क्या हुआ? क्या हुआ निकिता, क्यों चिल्ला रही हो? भाभी ये चिड़िया, उसके अंदर से कीड़े, ये देखिए, ये अभी मेरे आंखों के सामने मरा है। एक चिड़िया के मरने पर इतना हंगामा क्यों कर रही हो? जाओ सो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। पर भाभी। निकिता, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। अपनी दोस्त वेरोनिका से बचकर रहना। आप ऐसे क्यों कह रही है? क्योंकि उसकी नियत में समझ गई हूँ। ऐसा क्या देखा आपने? वो मायने नहीं रखता। मेरा काम था तुम्हें चेतावनी देना। बस एक बात याद रखो, एक औरत चाहे तो अपने पति को अपने साथ बांधकर रख सकती है, बस उसमें वो चाह होनी चाहिए। ये मुझे पहेलियां क्यों बुझा रही थी? पीयूष ने वेरोनिका के साथ कुछ गलत तो नहीं किया? माँ जी, मालिक ने शुभ शकुन दे दिया है। निक्की के सामने ही उस पक्षी की मृत्यु हुई है। इसका मतलब मालिक ने निक्की के खून का चढ़ावा स्वीकार किया है। उसी रात को गहलोत परिवार ने वेरोनिका को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया था। सारी तैयारियां हो चुकी थी, जाल तैयार था, अब बस मछली को दाना डालना बाकी था। इतनी रात को कौन होगा? कमरे में लाइट ऑन करके वेरोनिका थोड़ा असमंजस से दरवाजे के पास पड़ी।
तभी उसे वहां जमीन पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ मिला। कौन हो सकता है? उसने दरवाजा खोलकर देखा। हॉलवे के पिछली ओर पर किसी की परछाई नजर आ रही थी। पीयूष? तभी वेरोनिका के दिमाग में बत्ती जली। ओ गॉड, पीयूष ने मुझे मिलने बुलाया है। वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। यस, मेरा प्लान कामयाब हो गया। अब जल्दी से तैयार होकर उससे मिलने चली जाती हूँ। जल्दबाजी में वो अपना मोबाइल ले जाना भूल गई। अंधेरे हॉलवे में वेरोनिका तेज कदमों से अफरा तफरी में पीयूष के पीछे चल पड़ी थी कि तभी उसका हाथ निक्की के कमरे के पास रखे उस फ्लावर वास से टकरा गया। आ, हाँ, ये कैसी आवाज थी? निक्की डरते हुए अपने कमरे से बाहर निकली। उस टूटे हुए वास को देखकर उसे आश्चर्य तो था ही, लेकिन साथ में एक और बात थी जो उसे अचरज में डाल रही थी। आम तौर पर मेरे कमरे के बाहर एक गार्ड जरूर होता था, फिर आज ये जगह इतनी सुनसान कैसे है? वो कुछ दूर चलकर वेरोनिका के रूम तक गई। देख लो सब ठीक ठाक है कि नहीं, इस हवेली के लोगों पर मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। लेकिन वो कमरा भी खाली था। वेरोनिका, ये इतनी रात कहाँ गई? ओफो, इसे तो पता भी नहीं है ये लोग कितने खतरनाक है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढो इसे? तभी निक्की को एक तरकीब सूझी। पीयूष को बोलती हूँ, शायद वो मेरी मदद करे। अब तक उसका गुस्सा भी शांत हो गया होगा। वो कमरे से जाने ही वाली थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वेरोनिका का फोन? लेकिन यहाँ तो कोई नेटवर्क नहीं आता है। वेरोनिका के फोन पर कोई मैसेज आया था। वो फोन वापस अपनी जगह पर रख रही थी कि तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। निक्की ने गलती से वो मैसेज खोल दिया था। ये क्या? वेरोनिका पीयूष को क्या मैसेज कर रही थी? और साथ में ये किस किस्म की फोटोज भेजी है इसने? पुराने हवेली के बाहर पीयूष और रचना घात लगाए बैठे थे। तुमने वो पेपर उसके दरवाजे के नीचे डाल दिया था ना रचना? हाँ कुंवर साहब। ठीक है, जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो जरूर आएगी। फिर मैं किसी भी तरह से उसे हवेली के अंदर बंद कर दूंगा। मालिक को उनका आहार भी मिल जाएगा और उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। वो देखिए कुंवर साहब, हवेली में से कोई निकला है। वही होगी, तुम अंदर जाकर सारी तैयारी करो रचना। लेकिन कुंवर साहब। डरो मत, बस आहिस्ता से कदम रखना, उससे मालिक को तुम्हारी मौजूदगी का पता नहीं पड़ेगा। क्या पीयूष द्वारा बिछाए गए इस जाल में वेरोनिका फंस जाएगी? क्या ये रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली थी? क्या होगा आगे, जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड और तुरंत करें चैनल को सब्सक्राइब।